जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे और अपनी तैयारी को चार चांद लगा रहे होंगे। और उसमें से क्या है, क्योंकि अब आपको लगभग मालूम हो चुका है कि हमारा जो री एग्जाम होने वाला है सितंबर माह तक जा सकता है। तो अब हम लोग अभी 2 से 3 महीने का जो टाइम मिला है अच्छे से इसमें हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ताकि एक सीट पक्की हो सके। हम लोग इस हिसाब से तैयारी करेंगे, कोई रणनीति बनाकर तैयारी करेंगे, तभी हम लोगों को सफलता मिल सकती है। तो देखेंगे आज का टॉपिक रहेगा दिवस। दिवस में आपका जो कांस्टेबल में पेपर हुआ था उसमें से एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा गया था, उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन बने थे और आगे भी बनने की संभावना है। तो आइए देखते हैं दिवस के क्वेश्चन, और आप लोग अंतिम तक बने रहिएगा वीडियो में, आपको यहीं क्लास में चीजें याद हो जाएंगी। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, जैसे दिया है प्रवासी भारतीय दिवस। क्या क्वेश्चन है? प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर आएगा प्रवासी भारतीय दिवस जो है हमारा 9 जनवरी को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 10 जनवरी। यहीं पे पूछ लेता है हिंदी दिवस, तो क्या बताएंगे? कमेंट करके बताइएगा कि हिंदी दिवस कहता तो क्या हम बताते। चलिए अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय युवा दिवस। युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस। युवा कैसा है? हाथी के समान है युवा। जब कोई भी व्यक्ति युवा होता है तो क्या होता है? बहुत सारा बल उसके अंदर होता है। तो हम लोग याद करेंगे युवा, युवा दिवस 12 जनवरी। ठीक है, 12 जनवरी, जब बच्चा 12 साल का हो जाता है तो लोग क्या कहते हैं? यो युवा होने वाला है, वो हो गया युवा। ठीक है, तो युवा हो गया है, तो 12 से याद कर सकते हैं आप। अगला है थल सेना दिवस। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 जनवरी को। कब? 15 जनवरी को। अगला है शहीद दिवस। तो शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखेंगे 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। अगला है विश्व कैंसर दिवस। तो विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो बोलेंगे 4 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है। आगे देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, तो यहाँ देखेंगे 21 फरवरी। कब? 21 फरवरी। तो यहाँ 3 क्वेश्चन बनते हैं, कौन कौन? मातृभाषा दिवस कह रहा है, जैसे यहाँ पहला क्वेश्चन बनता है कि हिंदी दिवस कब होता है, तो आपका आंसर आना चाहिए 14 सितंबर। विश्व हिंदी दिवस तो 10 जनवरी, और आपसे पूछ लिया जाए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस तो बताएंगे हम लोग 21 फरवरी। 3 में से एक क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है। अगला देखेंगे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो बोलेंगे साथियों 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब? 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला है राष्ट्रीय युवा दिवस। क्या है? राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस हो गया, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाते हैं? 4 मार्च को। तो राष्ट्रीय युवा दिवस की बात कर रहा हूं, तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो मनाया जाता है आपका, कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। काफी पूछा जाता है क्वेश्चन, ये इम्पोर्टेंट कर लेना कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। कब? 8 मार्च को मनाया जाता है।
अगला क्वेश्चन आता है विश्व गौरैया दिवस, ये भी काफी बार पूछा गया है कि विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है, तो बोलेंगे 20 मार्च को मनाया जाता है, 20 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है विश्व वन दिवस, तो विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है, तो बोलेंगे 21 मार्च को मनाया जाता है, विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल संरक्षण दिवस, विश्व जल संरक्षण दिवस तो 22 मार्च को मनाया जाता है, कब? 22 मार्च को, ये भी बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला है विश्व रंगमंच दिवस, तो बोलेंगे 27 मार्च को मनाया जाता है, कब? 27 मार्च को मनाया जाता है। अगला आता है विश्व स्वास्थ्य दिवस, ये भी बहुत पूछा जाता है दोस्तों, देखेंगे विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, कब? 7 अप्रैल को। अगला है पृथ्वी दिवस, ये भी बहुत पूछा जाता है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो बोलेंगे पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को, ठीक है। अगला है अंबेडकर जयंती, अंबेडकर जयंती जो मनाया जाता है ये भी काफी पूछा जाता है, 14 अप्रैल कब मनाया जाता है, तो 14 अप्रैल को। अगला विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाते हैं, कब? 18 अप्रैल को मनाते हैं। अगला देखेंगे इसमें क्या कह रहा है, विश्व मलेरिया दिवस, नोट करिएगा दोस्तों, ये विश्व मलेरिया दिवस भी काफी पूछा जाता है, ठीक है। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाते हैं? 25 अप्रैल को। अगला है सिविल सेवा दिवस, कब? क्या कह रहा है? सिविल सेवा दिवस ना, सिविल सेवा दिवस कब मनाते हैं, तो ये 21 अप्रैल को मनाते हैं, कब? 21 अप्रैल को मनाते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाते हैं, तो बोलेंगे 5 अप्रैल को मनाते हैं, कब मनाते हैं? 5 अप्रैल को मनाते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 5 अप्रैल को मनाते हैं। चलिए एक बार हम लोग पुनः इसको रिवीजन कर लेंगे ताकि और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखेंगे आपसे क्वेश्चन कहे भारतीय राष्ट्रप्रवासी भारतीय दिवस तो 9 जनवरी, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, थल सेना दिवस 15 जनवरी, शहीद दिवस 30 जनवरी, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी, अब आपसे कह दिया जाए हिंदी दिवस तो 14 सितंबर, ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च। अगला है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, ठीक है, विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च। अगला है विश्व वन दिवस 21 मार्च, विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च, विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल, विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल, विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल और सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल और अंतिम है राष्ट्रीय समुद्र दिवस कब मनाते हैं, तो ये 5 अप्रैल को मनाते हैं, कब मनाते हैं? 5 अप्रैल को मनाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको ये समझ में आई होंगी और इसके आगे के जो क्वेश्चन रह गए हैं, मतलब दिवस रह गए हैं, अभी कहां तक हुए हमारे, अप्रैल तक हुए हैं, बाकी जो अदर महीने के हैं जो बहुत पूछे जाते हैं उनको हम 1 से 2 वीडियो में आपको पूरा निचोड़ करा देंगे, ताकि जो बार बार अच्छे क्वेश्चन हैं उनको हम एक जगह आपको देंगे और आप लोग नोट कर लीजिएगा, आपको रिवीजन करेंगे पेपर के टाइम पे जब रिवीजन करेंगे तो बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। तो आप लोग अब की बार 1 सीट पक्की करना है तो रणनीति बना के आप लोगों को तैयारी करनी होगी, क्योंकि कंपटीशन कहने को वैकेंसी इतनी ज़रूर है, बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है
और हर एक बच्चा का सपना है कि बस एक सीट अब की बार लेना है और अपने माता पिता का सपना पूरा करना है। ठीक है दोस्तों, तो आप भी मेहनत करिए और कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए दिन रात इतना मेहनत करिए कि अब की बार एक सीट पक्की होनी चाहिए। तो देखते हैं कल इसके आगे का टॉपिक करा देंगे जो रह गए हैं क्वेश्चन, और अप्रैल तक हुआ है, फिर आगे के महीने के हम कराएंगे। तो दोस्तों पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करिएगा और क्वेश्चन हम ढूंढ ढूंढ के लाएंगे, अच्छे से अच्छा क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे तो ताकि आपको पेपर में क्वेश्चन देखने को मिले। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।